और इस वक्त ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हनुमान भक्ति आपने देखी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हनुमान जी के शरण में पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर की गई है। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बजरंगबली के इस जन्मोत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। ओवैसी ने पीएम की तुलना हिटलर से की, कहा उनका भाषण ऐसा लग रहा है जैसे पीएम नहीं कोई हिटलर बोल रहा है। 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं झूठ, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा ओवैसी बंधु चुनाव में करें घोषणा, जनसंख्या नियंत्रण लाने का करें ऐलान। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले हम घुसपैठिए नहीं है, ये मुल्क हमारा था और हमारा रहेगा, कोई हमें इस मुल्क से निकाल नहीं सकता। हनुमान जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, सभी देशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के मौके पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, गोरखनाथ मंदिर में बाबा ने पूजा करके आशीर्वाद लिया। यादव ने हनुमान जयंती की दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा कि हनुमान जी उन्हें सद्बुद्धि दें जो चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान के बीच घोल रहे हैं जहर। अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़, हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर में भक्तों ने किए दर्शन। दिल्ली में हनुमान जयंती को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास हनुमान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। देशभर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है, मंदिरों में उमड़ा है भक्तों का जनसैलाब। हनुमान जन्मोत्सव पर कई जगहों पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा, मध्य प्रदेश के विदिशा में नोटों से सजाया गया है हनुमान मंदिर। हरियाणा के रेवाड़ी में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस महावीर दल मंदिर नई बस्ती के लिए प्रस्थान की, जहां पर महिलाओं ने श्री बालाजी के भजनों पर जमकर नृत्य किया। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, सरकारी कर्मचारी की हत्या के बाद से एक्शन में है सेना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया, जहां पर आतंकियों ने एक सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। जेल में केजरीवाल को दी गई इंसुलिन, सूत्रों के हवाले से खबर, गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन देनी पड़ी, लगातार हाई हो रहा था शुगर लेवल। रिपब्लिक भारत पर तिहाड़ डीजी संजय बेनीवाल ने केजरीवाल के आरोपों को नकारा, कहा डॉक्टर के निर्णय पर इंसुलिन का फैसला, शुगर मरीजों का होता है ब्लड टेस्ट, तो जरूरत पर एम्स से आते हैं डॉक्टर। आज राजस्थान के टोंक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनियारा में जनसभा को करेंगे संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए वोट मांगेंगे। आज से दो दिनों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दो दिन में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, जांजगीर चांपा महासमुंद और सरगुजा जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे जनसभाएं, रोड शो सुबह 11:30 बजे के करीब बंगाल के मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से निकलेगा रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश में तूफानी दौरा, टीकमगढ़ रीवा और सतना में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, तो वहीं टीकमगढ़ में सुबह 11:00 बजे, दोपहर रीवा में 1:30 बजे और सतना में दोपहर 3 बजे के बीच प्रत्याशी के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के अमरोहा, बागपत और मेरठ में चुनाव प्रचार करेंगे, बागपत में जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे, शाम
चार बजे के बाद करीब सीएम योगी मेरठ में। आपको बता दें मलेशिया में सेना के दो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, उड़ान के दौरान आपस में टकराए जिससे हादसा हुआ। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। सेना के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आपस में टकराने के बाद हवा में ही आपस में टकराए और क्रैश हो गए जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। मलेशिया से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उड़ान के दौरान आपस में टकरा गए। तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, अब तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, मलेशिया में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये दोनों ही सेना के हेलीकॉप्टर थे, मिलिट्री हेलीकॉप्टर थे जो हवा में उड़ रहे थे और आपस में ही टकरा गए जिसकी वजह से कुल मिलाकर 10 लोगों की जान चली गई। तो मलेशिया में ये सेना के दो हेलीकॉप्टर्स के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं। आप देखिए कि कैसे ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि ये सेना के हेलीकॉप्टर्स बताए जा रहे हैं जहाँ पर उड़ान के दौरान या आपस में टकरा गए। हादसे में 10 लोगों की जान जाने की जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी का वीडियो साझा किया है। कांग्रेस प्रत्याशी मुस्लिमों से योजनाबद्ध तरीके से मोदी के खिलाफ एक एक वोट करने की अपील कर रहे हैं। जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। राजस्थान की जनता एक एक सीट भाजपा और मोदी जी को सौंपेगी, ये मैसेज भी दिया है। वही लोग हैं जिन्होंने आपको विधानसभा नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि आपको इसको लोकसभा पहुंचाना था। आप सब लोग हाथ ऊंचा खड़ा करके वादा करो, एक एक वोट निकाल के डलाएंगे। और जिस तरह पहले भाजपा के यहाँ 10-20 वोट निकला करते थे, वही अब दोबारा निकलेंगे। तो हम लोग प्रहलाद जी को संसद पहुंचाएंगे, ये आपके आवाज को बुलंद करेंगे। मैं इनकी गारंटी हर जगह देता हूँ, यहाँ भी देखे जा रहा हूँ। आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण खबर का जिक्र कर लेते हैं। आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को हनुमान जयंती की असीम शुभकामनाएं, उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंग बली। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी अपने हर काम, अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं।